Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us. हाय एवरीवन, हमारे लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स के बोर्ड्स में आने वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया था. इन केस ये आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर आ रही लिंक से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं. इस वीडियो में हम मैथ्स का थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. इस चैप्टर से टिपिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर हमें दो इक्वेशंस दे देते हैं जो कि या तो लीनियर होंगे या नॉन लीनियर होंगे, बट दे कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड वी आर आस्क्ड टू सॉल्व देम आइदर एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, या फिर इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या इसे रिवाइज करना हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड वीडियोस को देख सकते हैं. यहाँ पर हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं. गिवन क्वेश्चन में हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है एंड हमसे ये पूछा गया है वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट. तो इसके लिए हमें एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट्स के दोनों इक्वेशंस में रेशियो देखना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट देखें तो दोनों ही इक्वेशंस में इट इज़ वन, तो हमारा रेशियो वुड बी इक्वल टू वन. अगर हम वाई की बात करें तो इन फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज़ वन एंड इन सेकेंड इक्वेशन इट इज़ माइनस वन. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, जिसका मतलब है कि इस पेयर का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. और जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हो तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं. सो वी कैन से दैट दिस पेयर इज कंसिस्टेंट. गिवन क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं एंड हमें के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे इन दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए, दैट इज़ ये दोनों लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट हो जाएं. अब इन दोनों के इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस कब निकलेंगे? वो तब निकलेंगे जब एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो एंड कॉन्स्टेंट्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाए. दैट इज़ 2 upon k minus 1 should be equal to 3 upon k plus 2 should be equal to 7 upon 3k. तो यहाँ पर जो है इन तीनों रेशियोज को जो है इक्वल होना है. अब इसमें से हम किसी भी दो को लेके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं. अगर हमने इन दोनों को साथ में लिया तो we'll get 2 into k plus 2 is equal to 3 into k minus 1. उसी तरह से इन दोनों को साथ में लेने से वील गेट दिस इक्वेशन एंड इन दोनों को साथ में लेने से वील गेट दिस इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशंस में से आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तीनों ही केसेस में के की वैल्यू निकल के आएगी 7. गिवन क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल एबीसीडी दिया गया है जिसके ऑपोजिट साइड्स की हमें लेंथ गिवन है. यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. वी नो दैट फॉर अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई वुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स एंड एक्स माइनस वाई वुड बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स. अब हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है जिसे हमें सॉल्व करना है ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकें. इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बोर्ड्स में आज तक ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करें. सो विच एवर मेथड यू आर मोस्ट कम्फर्टेबल विद, उस मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड इज़ द ईजिएस्ट फॉर मी, तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. फॉर दैट आई विल जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस, जिससे हमारा y वाला टर्म ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा एंड विल गेट 2x इज इक्वल टू 44. तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी विच इज़
x is equal to 22 centimeters and इस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं as 8 centimeters. गिवन क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं एंड हमें x और y दैट इज द वेरिएबल्स उनकी वैल्यू निकालनी है. तो इसे हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यू कैन सॉल्व इट विथ विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है ए एक्स टर्म है इन सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन में a अपॉन बी एक्स है. तो अगर मैं इसे b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ax मिल जाएगा, जिसे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है उस टर्म को एलिमिनेट कर सकती हूँ. फॉर दिस आई विल मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय b. जब हम ये करेंगे तो विल गेट दिस इक्वेशन दैट इज ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू. तो इसके लिए हम ये सारे वैल्यूज का साइन चेंज कर देंगे. नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वील एलिमिनेट आर एक्स एंड वाई के टर्म्स में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी एज माइनस ए. अब वाई की इस वैल्यू को हम इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ओवर हियर मैंने सेकेंड इक्वेशन में जो है वाई की वैल्यू डाली है, जिससे मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई एज बी. नाउ नोट ओवर हियर कि हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं. जब भी हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएं, तो हमें हमेशा इन वैल्यूज़ को वापस एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में जो है पुट करके इन ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारे जो वैल्यूज़ हमें फाइनली मिले हैं वो करेक्ट हैं या नहीं. गिवन क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं एंड हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है. तो इसके लिए हम एक्स या वाई में से किसी एक का कोई एक वैल्यू एज्यूम करेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. दिस विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. एंड इस तरह के दो सॉल्यूशंस को जो है हम ग्राफ पर प्लॉट करके जब उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो विल गेट द लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस. सो ओवर हियर सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 मान लें तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/3 विच इज इक्वल टू 2. उसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 मान लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6. तो 0,2 जो है हमारा एक पॉइंट है एंड 6,0 हमारा दूसरा पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर कनेक्ट करेंगे एक लाइन से तो हमें वो लाइन मिलेगी विच विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. उसी तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन ये है. तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 4. एंड अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी 6. सो अगेन व्हेन वी जॉइन द पॉइंट्स 0, -4 एंड 6,0 ऑन आर ग्राफ विल गेट द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2x - 3y इज इक्वल टू 12. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों ही लाइंस जो है 6,0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट 6,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस. बट क्वेश्चन में हमें जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहा गया है. यू शुड ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पर ये दोनों लाइंस जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं. तो फर्स्ट लाइन जो है वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज इंटरसेक्टिंग इट ऑन 0,2. एंड उसी तरह से हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो जो है इस y एक्सिस को 0,-4 पर इंटरसेक्ट कर रही है.
गिवन क्वेश्चन में हमें दो नॉन लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं एंड इन्हें सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो दिस इज नॉन लीनियर, दीज आर इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसके लिए हम 1 बाई एक्स को u ले लेंगे एंड 1 बाई वाई को v ले लेंगे. व्हेन वी डू दैट वील गेट टू लीनियर इक्वेशंस विच आर लीनियर. इन्हें सॉल्व करना हमें आता है. आप जिस भी मेथड से चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं. एट द एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ u एंड v एज 1 बाई थ्री. नोट दैट यहाँ पर हमें u और v की वैल्यू मिली है बट हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी, जिसका मतलब है हमें u को 1 बाई एक्स से एंड v को 1 बाई वाई से जो है सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, विच विल गिव अस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई थ्री एंड 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई थ्री, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 3 निकल के आएगी. इस चैप्टर से कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें स्टेटमेंट्स को काफ़ी केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्टेटमेंट्स को सही से इंटरप्रेट नहीं किया तो जो हम इक्वेशंस बनाएंगे वो इक्वेशंस हमारी गलत हो जाएंगी एंड इन टर्न हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. तो अब हम जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है उसे देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स दी गई हैं एंड हमें उस फ्रैक्शन को फिगर आउट करना है. तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर इज डिनोटेड बाय n एंड डिनोमिनेटर इज डिनोटेड बाय d. तो उस केस में हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n अपॉन d. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, दैट इज 2d-3. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट n माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 3. ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा वो बन जाएगा 1/2. तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा. अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, तो इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, विच एवर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 4 एंड d एज 7. इन वैल्यूज़ को हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर सेटिस्फाई कर देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं. नाउ हमें n और d नहीं निकालना था, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें फ्रैक्शन बताना है. तो वो फ्रैक्शन होगा n अपॉन d विच इज इक्वल टू 4/7. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको इस चैप्टर की और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे ऐप पर इस चैप्टर के क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं. हमारी ऐप आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल्सो हम हर सैटरडे को जो है इस सीरीज़ का वीडियो रिलीज़ करेंगे. टू नॉट मिस एनी अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन बिलो. स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यू कैन नाउ एक्सेस ऑल ऑफ आवर वीडियोज फ्रॉम क्लास 9th टू 12th ऑन आवर ऐप. डाउनलोड इट नाउ थ्रू लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन.